और चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि वालों की। पंडित जी, धनुराशि वालों को माँ शक्ति के साथ भगवान शिव का आशीष पाने के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए? देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। भगवती राजराजेश्वरी आदिशक्ति माता पार्वती की कृपा यदि आप पर मिल गई है तो शिव की कृपा आप पर होनी है, और भगवान शिव की कृपा यदि आप पर हो गई है तो माता पार्वती की भी कृपा आप पर होनी है। जानते हैं इसके बारे में, एक सनातन धर्म का मंत्र है, वागर थाविव संप्रितौ वागर थ प्रतिपक्तये जगतः वंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात ये जगत के माता पिता पार्वती और भगवान शिव हैं, ये दोनों एक ही साथ रहते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इसी का प्रमाण है। तो ऐसे में धनु राशि के जातक भगवान शिव की कृपा और शक्ति की कृपा पाने के लिए कच्चे दूध में केसर मिश्री व हल्दी मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें। रुद्र गायत्री मंत्र का ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर यथासंभव जप करें। केला आम पपीते का दान करने से भी लाभ प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं फरीदाबाद के रहने वाले नवीन मेहरा। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं जी। नवीन मेहरा का जन्म 10 जुलाई 1957 को 7:55 पर सायंकाल पटना बिहार में हुआ। इनकी जन्म कुंडली है मकर लग्न की, और इनके जन्म लग्न का स्वामी शनि इनके कुंडली में 11वें स्थान पर मंगल के घर में बैठा हुआ है। उस पे भाग्येश बुध की स्थिति इनके कुंडली में नीच के मंगल के साथ 7वें घर में है, और वहीं पर शुक्र भी विराजमान है। तो नीच का मंगल, बुध और शुक्र, इन तीन ग्रहों की दृष्टि शरीर भाव अर्थात लग्न पर पड़ रही है। तो बुध यहाँ रोगेश होकर के भी लग्न को देख रहा है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि नवीन जी, एक तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में हर समय गिरावट की बात बनी रहती है। दूसरे, आपके पत्नी भाव में भी नीच का मंगल होना और पत्नी भावेश का व्यय भाव में जाना इस बात का संकेत करता है कि आपके पत्नी की भी सेहत बहुत अच्छी नहीं संकेत करती है। हाँ, इतना जरूर है कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति की स्थिति लग्न पर उसकी पूरी दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आप लंबी उम्र वाले चिरंजीव होंगे, आप पूर्णायु योग को प्राप्त करेंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट बीच बीच में मिलता रहेगा। अभी राहु में केतु का अंतर चल रहा है जो 18 मार्च 2014 तक चलेगा। यह शारीरिक कष्ट का समय है, और इसमें उद्योग धंधे में विफलता मिलती है, काम करने में मन नहीं लगता है, और रोजी रोजगार से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं, राजभय उत्पन्न होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि नित्य महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप जरूर करें, और एक पारे का शिवलिंग घर में ले आएं और उसकी स्थापना करके विधिवत उसका जल से रोज अभिषेक करें और बिलु पत्र चढ़ाएं। यदि ऐसा आप करेंगे तो निःसंदेह आपका जीवन अच्छा होगा, आपको सुख समृद्धि मिलेगी और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आज सोमवार के दिन वो पाना चाहते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद तो वो क्या करें। बात कर लेते हैं मकर राशि की जी। पंडित जी, आज मैं बताना चाहूंगा कि जो मकर राशि के जातक हैं, ये अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए शिवलिंग का घी, शहद, दही और बादाम के तेल से बारी बारी से अभिषेक करें। नारियल के जल से भगवान शिव का अभिषेक कराने पर और नील कमल अर्पित करने पर भगवान शिव की प्रसन्नता होती है। ओम जूम शह, यह लघु मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से भी शिव कृपा प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, और जीवन में धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों के जातकों की। कुंभ राशि वाले आज के दिन कौन से उपाय को अपना कर चमका सकते हैं अपनी किस्मत, वो कौन सा उपाय है जो उनके जीवन में ला सकता है बहार जी। पंडित जी बताएं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप तेल से अभिषेक करें, शिवलिंग पर जल के साथ दुर्वांकुर और बिलपत्र चढ़ाना न भूलें, बीमारी या शत्रु का यदि आपको भय है तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको यथासंभव 10 माला जप भी करना चाहिए। ऐसा करने पर निःसंदेह आप
दीर्घायुष्य को प्राप्त होंगे और आपकी बीमारी भी समाप्त होगी। और अंत में अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए वो कौन से खास उपाय हैं जिनसे उनकी किस्मत को मिल सकता है भगवान आशुतोष का आशीर्वाद। जी पंडित जी, आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कच्चे दूध में पीसी हुई हल्दी मिला करके शिव जी का अभिषेक करें, बेलपत्र और पीले फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि भगवान शिव का जब हम पूजन करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए जो सावधानी है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। भगवान शिव चराचर जगत ब्रह्मांड के ही एक स्वरूप हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है यह चराचर ब्रह्मांड जैसा है, इसी का एक रूप जो है वह शिवलिंग के ही आकार का है और वही शिवलिंग का आकार भगवान शिव को प्रार्थना और पूजा पाठ में देखा जाता है। भगवान शिव जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह भगवान शिव के अंदर भी है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। ऐसे में भगवान शिव की मानसिक पूजा का और महत्व बढ़ जाता है। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधय स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। भगवान शिव की उपासना आवाहन आसन पाद्य अर्घ आचमनी स्नान वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत जनेऊ गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करने के साथ बिलुपत्र से सहस्त्रार्चन करने के बाद भगवान शिव की मानसिक पूजा भी करनी चाहिए, जिसमें आपको ये सोचना चाहिए आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप मेरी आत्मा स्वरूप हैं, गिरजामति और जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है, आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा, जो हमारे शरीर में प्राणवायु श्वास नीचे ऊपर आ जा रही है ये नंदीगण आपके शिव भक्त हैं, प्राणा शरीरम गृह और ये मेरा शरीर आपके निवास योग्य सुंदर घर है, संचार प्रदेव प्रदक्षिण विधि स्त्रोतान सर्वागिदो, जो भी पैर मेरे आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी पर मैं चलता हूँ वो सब आपके परिक्रमा मात्र हैं और जब मैं सोता हूँ तो वह आपकी समाधि अवस्था है, जो भी मैं बोलता हूँ वह आपकी उपासना में कहा गया स्त्रोत है, इसलिए भगवान शिव आप मुझ पर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाएं। इस तरह के भाव रख करके जो लोग भगवान शिव की मानस पूजा करते हैं उनके ऊपर सदा शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। आलस्य शिव उपासना में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, शिव की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और शिवलिंग पर अगर कोई प्रसाद आपने चढ़ा दिया है तो उस प्रसाद को आपको नहीं खाना चाहिए। शिवलिंग से अलग अगर आपने कोई प्रसाद रखा है तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन शिवलिंग के सानिध्य में आने वाले प्रसाद को खाने का अधिकार आपको नहीं बनता है।